कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पिशावर समेत मुल्क भर में मार्केट्स रात 8:30 बजे और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने का बड़ा फैसला कर लिया। क्या आज हुकूमत बिल्कुल पावर डिवीजन की जानब से तवानाई बहरान पर काबू पाने की सिफारिशात के बाद वफाकी हुकूमत की जानब से ऐलानिया मुल्क में तजारती मराकज 8:30 बजे और शादी हॉल्स 10:30 बजे बंद करने के फैसले का सखर समेत सिंध भर में इतलाक नहीं हो सका है। इस वक्त हम मौजूद हैं सखर शहर की अहम तरीन तजारती मरकज मिशन रोड पर, जहाँ पर देखा जा सकता है कि मामूल के मुताबिक यहाँ जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। इस तरह से जो फूड स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर भी कारोबार रवा दवा है, जबकि शादी हॉल्स के मालिक है उन्होंने भी इस बात से इनकार कर दिया कि उनको अब तक जो है वो कोई भी 10:30 बजे हॉल्स बंद करने का नोटिफिकेशन नहीं मिला है। इस हवाले से रابطہ करने की कोशिश की गई जिले इंतजामिया से, तो उनकी जानिब से कोई भी रابطہ मौसूल नहीं हो सका है। अगर से बात करें हम सखर शहर के ताजरों की, तो ताजर बरादरी ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा है कि पहले ही तजारती जो है वो पहिया जाम है, कारोबार इंतहाई मफलूज हो चुका है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो 8:30 बजे दुकान बंद करने का फैसला किया गया है इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है मिशन रोड ताजरान के सरदार जहीर भट्टी, उनसे जानते हैं कि अगर से इस फैसले पर अमल दरामद कराया गया तो ताजिर बिरादरी का लाहे अमल क्या होगा। जहीर साहब शुक्रिया आपके वक्त देने का। एक हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि तजारती मराकज रात 8:30 बजे बंद किए जाए, जिससे जो है वो मुल्क को तकरीबन 62 अरब रुपये की बचत होगी। इस हवाले से ताजिर बिरादरी का क्या मौकफ है? सर ताजिर बिरादरी देखें, मुल्क में रेट घटिया काम पे मतलब रूल पे करते हैं ना मस्जिद के अंदर, लेकिन अगर जो 8 बजे आप बाज़ार बंद करेंगे तो 8 बजे तो कारोबार शुरू होता है, तो इसका मतलब फेडरल गवर्नमेंट को इतनी बात समझ नहीं आ रही कि जो वक्त कारोबार करने का होता है उस वक्त कारोबार बंद कराएंगे। तो इसको हम ताजिर बिरादरी बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, किसी सूरत हम इस चीज़ को नहीं मानते और हम इस पर अमल नहीं करेंगे। अगर ताजिरों के साथ ज़बरदस्ती की गई तो ताजिर बिरादरी सख्त से सख्त एक्शन लेगी और इसका नुकसान जितना भी जिम्मा होगा वफाकी गवर्नमेंट पे जाएगा, क्योंकि ताजिर हमेशा मुल्क के ख़जाने को भरने का काम अदा कर रहे हैं, जबकि सियासतदान और फेडरल गवर्नमेंट जितने भी है इस मुल्क की मस्जिद को तबाह कर रही है। और आप देखेंगे जितना भी नुकसान हो रहा है उसमें अगर अपनी ये वफाकी काबीना अपने टूवर कम करे, अपनी काबीना कम करे, उसमें मुल्क को सिर्फ 62 अरब नहीं 62,000 अरब का फ़ायदा होगा, ना कि 62 अरब को देखें आप। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। अच्छा बिल्कुल, सखर के ताजिरबाजारी ने इस फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया और इनका यही कहना है कि अगर इस पर ज़बरदस्ती अमल दरामद कराने की कोशिश की गई तो सख्त मज़ाहमत का ऐलान किया जाएगा। जी।